नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार है और आप देख रहे हैं द एच डी न्यूज़। इस वक्त की जो बड़ी खबर है पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र से है, जहां एक व्यक्ति को अर्धनिर्मित हथियार की जखीरा के साथ पकड़ा गया है। वहीं आपको बता दें कि वो हथियार लेकर कलकत्ता से पटना की ओर आ रहा था, जहां गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ और अगमकुआं थाना गुप्त सूचना के आधार पर जो है उसे गिरफ्तार किया गया। वहीं उसके पास एक झोला हथियार पाया गया। वहीं क्या कुछ इसमें एएसपी अमित रंजन जी कह रहे हैं, सुनिए। कि पटना पुलिस एवं एसटीएफ को कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि पटना के बाहर से अपराधी आर्म्स की तस्करी कर रहे हैं, एक कोलकाता इत्यादि जगहों से आर्म्स को लाते हैं। तो इसी क्रम में हमें सूचना मिली थी एसटीएफ के द्वारा, और पटना पुलिस भी सजग सतर्क तरीके से निगरानी कर रही थी बैरिया बस स्टैंड की। तो 11 तारीख को सूचना मिली अगमकुआं थाने को, और फिर उस सूचना के अनुसार हमने कार्रवाई की। आर्म्स तस्कर झोले में लेकर कोलकाता से आर्म्स को लेकर आ रहा था, जो अर्धनिर्मित आर्म्स हैं। तो इसमें पुलिस के द्वारा पकड़ा गया उनको, और पूछताछ के क्रम में ये पता चला कि ये कोलकाता से आर्म्स को लेकर आ रहे थे, और इनका नाम है मोहम्मद तौशीफ आलम, और ये कोलकाता के बाबूघाट बस स्टैंड से आर्म्स को लेके आ रहे थे बस से। और ये लेके तो पटना में ही आ रहे थे, हमने पटना में इंटरसेप्ट किया है, और ये लेके आ रहे थे ये एहसान करके एक आदमी है जो मुंगेर जिला के रहने वाले हैं, उनसे इन्होंने कोलकाता से हथियार लिया, और मोहम्मद एतवारी करके एक इंसान है जिनको इनको पटना में देना था। तो इसी बीच इस क्रम में ये पकड़े गए हैं। तो जो दो लोग का नाम इन्होंने बताया उसके ऊपर जांच की जाएगी, और फिर आगे की चीज़ें सामने आएंगी। क्या कुछ बरामद हुआ सर? इसमें 25 पीस अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद हुए हैं, उसके अलग अलग पीसेज हैं, बैरल है, स्लाइडर है, बॉडी है, एक मोबाइल बरामद हुआ है, 850 रुपये हैं, और कोलकाता से पटना आने का एक बस टिकट है। पूछताछ के क्रम में क्या पता चला सर, जो अभी गिरफ्तार हुआ है? ये पहले भी 302 के मर्डर अक्यूज्ड है, और उसमें जेल जा चुका है, और ये मोहम्मद एतवारी से उसने अर्धनिर्मित ये हथियार लिए थे कोलकाता से, और ये एतवारी को देने आ रहा था। यहाँ पर कहाँ का रहने वाला था? ये दोनों मुंगेर के रहने वाले हैं, तो इनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, कहाँ से कलकत्ता से वो हथियार लाते थे, किसको डिलीवर करते थे, और कितने दिनों से ये कारोबार करता था? अब इसकी तो पुष्टि हम लोग जांच के बाद ही कर सकते हैं। जो ये बाकी दो अक्यूज्ड हैं एतवारी और एहसान, जब ये दोनों मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों मेन सरगना में हैं, और ये मुझे लगता है इसको यूज़ कर रहे थे, इसको भी पूरी जानकारी अभी तक जो हमें जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है नहीं है, बस इसको इन दोनों का नाम पता है। बाकी आगे की जांच में पता चलेगा जब ये लोग पकड़े जाएंगे कि आगे ये लोग किस तरीके से इस गिरोह को चला रहे थे। अभी तो जांच में जो पता चला है इसके हिसाब से कुछ 7-8 हज़ार रुपये इसी तरीके से इनको पैसा दिया जाता था, और मुझे लगता है जो ये अपराध कर रहे हैं इसमें ये अलग अलग लोगों का यूज़ करते हैं, कभी कभी किसी का। तो इस बार इंटेल हमको मिली थी और एक्यूरेट इंटेल थी, तो उसके हिसाब से इनके ऊपर कार्रवाई की गई। ये तो कैरियर है, तो सप्लायर को हमको पकड़ना है, जो हम गिरफ्तार करेंगे जल्दी, उस पर कार्रवाई की। जी ज़रूर, ये हथियार अगर नहीं पकड़े जाते तो इनसे घटनाएं अंजाम होती हैं, आप लोगों को सबको पता ही है। सर, ये क्या रेट में हथियार यहाँ बेचा करते थे? ये तो मिडिल मैन है, इसको इस चीज़ की जानकारी नहीं है, तो ये तो अब आगे के इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। ये आपका तोशी का रहने वाला है, लोहरा थाना जमुई। पटना पुलिस जी, अब उपलब्धि तो बहुत बड़ा है, क्योंकि इसके चलते हम कई क्राइम्स अब इसके चलते रुकेंगे। अगर ये हथियार चले आते उन लोगों के पास तो इससे क्राइम्स होते, तो ये एक रोकथाम हुई, और हम लोग की तरफ से प्रिवेंशन एक तरीके से हुआ क्राइम्स का जो होने वाले थे इससे। जी इसकी पुष्टि बाद में करी जाएगी। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं।
आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।